और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की ओर से दिल्ली में NACS कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड से लगभग 60 से अधिक IAS, IPS, IFS और सिविल सेवा के अन्य पदों पर चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। ये सभी वो अधिकारी हैं जिन्होंने साल 2023 की UPSC परीक्षा में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के मार्गदर्शन में कामयाबी हासिल की और देश भर में बिहार और झारखंड का परचम लहराया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की ओर से दिल्ली के एक होटल में नैक्स कनेक्ट 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड से लगभग 60 से अधिक IAS, IPS, IFS और सिविल सेवा के अन्य पदों पर चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये सभी वो अधिकारी हैं जिन्होंने साल 2023 की UPSC परीक्षा में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के मार्गदर्शन में कामयाबी हासिल की और देश भर में बिहार और झारखंड का परचम लहराया। जो हम लोग के NACS के जो प्लेटफॉर्म बा वो हम लोग के जो इंटरव्यू के जो फेज रहेला उनमें बहुत ही बड़ा योगदान देले बा। जैसे कि इसमें हम लोग के कैसे इंटरव्यू तैयारी होला, कैसे का करे के चाहिए, का ना करे चाहिए, ओकर प्रॉपर गाइडेंस दिल जाला। ओकर बाद यो हटे कि मान ली कि जे गरीब घर से आवेलन उनका के फ्री में कोचिंग हो गए, मार्गदर्शन हो गए, वो भी सीनियर लोग देवेलन कोई और ना, तो इसे का होला कि हम लोग के जो नॉलेज का बेस होला बा एक्यूरेसी होला वो एग्जाम में काफी अच्छा रहेला। विधि व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा, विदेश नीति में योगदान देने जा रहे ये अफसर बिहार के पटना, गोपालगंज, औरंगाबाद, सारण, अररिया, समस्तीपुर, गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कैमूर समेत दूसरे जिले और झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, गिरिडीह समेत अन्य जिलों के रहने वाले हैं। देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC के प्रीलिम्स और मेंस निकालने के बाद ये अभ्यर्थी के रूप में NACS के IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े, जहां पूरी तरह से निःशुल्क मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस से सिविल सेवा की परीक्षाओं में सफलता हासिल की। NACS में UPSC के इंटरव्यू की तैयारी के लिए नहीं एक रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा। आज सब सारे ऑफिसर से मिलकर हमारा बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सीनियर लोग भी जा रहा लो, वो लोग के मार्गदर्शन में हमने के देश सेवा के काम में लगे हम। NACS की खास बात यह है कि यहाँ कैंडिडेट को मॉक इंटरव्यू की तैयारी के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। संस्था का मकसद बिहार और झारखंड के युवाओं को मॉक इंटरव्यू के जरिए सिविल सर्विसेज के लिए होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करवाना है, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है। मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है और मैं बिहार के पटना जिले की निवासी हूँ। इस बार UPSC CSE परीक्षा 2023 में मेरा 99 रैंक आया है और उसके वजह से मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा मिली है। ये इस जर्नी के लिए और अभी आगे आने वाली जर्नी के लिए भी बहुत होपफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड आई होप कि मैं स्टेट के लिए एंड कंट्री के लिए अच्छा काम कर पाऊँ। NACS के गाइडेंस में मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अच्छी रैंकिंग मिली, जिसकी बदौलत आज वो IAS, IPS, IRS, IFS पदों पर भी पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद के शशांक भारद्वाज का ऑल इंडिया रैंक 10 आया और उन्हें IFS मिला है। गोपालगंज के रहने वाले सौरभ शर्मा का ऑल इंडिया रैंक 23 है और वो IAS बन गए। पटना के रहने वाले रितिका वर्मा का 25वां रैंक है और वो भी IAS बनेंगी। पटना के रहने वाले जुफिशान हक का रैंक 34 है, इन्हें भी IAS मिला है। पटना की ही रहने वाली प्रिया रानी का रैंक 69 आया और ये भी IAS बनेंगी। इसी तरह झारखंड की रांची की रहने वाली साक्षी जमुआर का रैंक 79 आया है और ये भी IPS बनेंगी। NACS के इस पहल का UPSC पास कर चुके अभ्यर्थियों ने काफी सराहना की। तमाम अभ्यर्थियों को अब ट्रेनिंग के लिए मसूरी के LBSNL जाना है, यानी कि लबासना, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए यात्रा में NCS का योगदान इनके लिए वरदान से कम नहीं, जहां IAS और IPS लेवल के अधिकारियों ने इन्हें गाइड किया है और उनसे ही इन्हें गाइडेंस मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और NACS अपनी संस्था के जरिए बिहार और झारखंड के युवाओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना है।
ताकि युवा देश में अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये संस्था आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फ्री में तैयारी करवाती है। बेटियों को भी यहाँ फ्री में तैयारी करवाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियां सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर अपने सपनों को पूरा कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की कनेक्ट 2024 कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष खुद 1983 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर बीके प्रसाद हैं। उनका मकसद बिहार और झारखंड के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं को सही मार्गदर्शन देना है। मेहनत कर रही है सारे यंग अफसर्स, सारे मिडिल लेवल अफसर्स और सीनियर अफसर्स मिलके काफी हम कोशिश कर रहे हैं मदद करने की बच्चों की। बीके प्रसाद ने बताया कि वो जल्द ही एनएससीएस कार्यालय पटना, रांची और दिल्ली में भी खोलने जा रहे हैं, जहां छात्रों को न सिर्फ फ्री में गाइडेंस दी जाएगी बल्कि उन्हें रहने के लिए मुफ्त हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी, जहां सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली बिहार झारखंड की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें यूपीएससी की तैयारी में एक रुपए भी खर्च न करना पड़े। हम जो एनएससीएस से हम कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मार्गदर्शन, उसमें हम 200 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट। हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसके बाद 200 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए हम पटना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का गाइडेंस देते हैं। पैसे इन छात्रों को सपना पूरा करने में बाधा ना बने, यही इस संस्था का मकसद है। एनसीएस के संयोजक आईएएस अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि वो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार झारखंड के बहुत से छात्र और छात्राएं एनसीएस से जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके लिए हम लोग एनएससीएस के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे सीनियर्स जो कई सर्विसेज के होते हैं दिल्ली में ही बिहार निवास में ये कोर्स कराया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये सब इसलिए कराया जाता है ताकि बिहार झारखंड से जो भी बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो उनको ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल सके। छात्रों के लिए संस्था से जुड़ना और तैयारी कराना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इन छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले खुद आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कामों का तो अनुभव है ही, साथ ही उन्हें कैसे एग्जाम की तैयारी की जाए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इसका भी पूरा अनुभव है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैं भी काफी इंटरव्यू बोर्ड में रह चुका हूं, तो वी नो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स, तो हम उसी तरह गाइड करते हैं। एनसीएस की कनेक्ट 2024 के कार्यक्रम में जो यूपीएससी पास कैंडिडेट शामिल हुए उन्होंने भी एनसीएस के अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिला। इस कार्यक्रम में अलग अलग पदों पर अपनी सेवा दे चुके अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे यूपीएससी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने न सिर्फ एनसीएस के पहल की तारीफ की और मैं बहुत नेक्स का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे इतना बड़े अपॉर्चुनिटी में मुझे इतने सीनियर कलीग्स और फेलो बैचमेट्स के साथ एक कनेक्ट करने का मौका मिला और शायद इसीलिए बहुत बड़े आयोजन का नाम भी है कनेक्ट 24 नेक्स का। थैंक यू। कभी आर्थिक तंगी को कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण कई टैलेंटेड छात्र एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। इस संस्था की कोशिश ऐसी है कि युवाओं को शॉर्टलिस्ट कर उन्हें सही दिशा दिखाई जाए ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं जो दिल्ली रह के कोचिंग संस्थानों में तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारा यह मैसेज है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझे, ये नहीं समझे कि आपके साथ कोई नहीं है। एनएससीएस बिहार झारखंड हर पल हर स्टेज पे आपके साथ हैं और अगर कोई बच्चा बिहार झारखंड से चाहता है कि हम आईएएस बने, भले वो कमजोर पृष्ठभूमि से आता है, उसके लिए हमारे एनएससीएस की पूरी टीम खड़ी है और हम चाहते हैं कि वो हर बच्चे का सपना पूरा हो जो कि आईएएस बनना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास कर चुके तमाम लोग एक दूसरे से मिलकर न सिर्फ काफी उत्साहित नजर आए बल्कि पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से मिलकर इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अब यही हुआ एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ ट्रेनिंग के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों की जिम्मेदारियों को संभाल कर देश की सेवा में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।